हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लेट्स गेट स्टार्ट। यूज ऑफ शुड हैव। शुड हैव किस सेंस में होता है? ना चाहिए था। शुड हैव ना चाहिए था। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना चाहिए था रहे उस क्रिया का अनुवाद शुड हैव में होगा। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना चाहिए था रहे उस क्रिया का अनुवाद शुड हैव में होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। अपन कुछ एग्जांपल लिए हैं शुड हैव का प्रयोग सीखें। जैसे आई शुड हैव ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसमें शुड हैव में यूज़। आई शुड नॉट हैव ईटन, शुड आई हैव ईटन और वाई शुड आई हैव ईटन। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। हम लोगों को खाना चाहिए था, वी शुड हैव ईटन। सेकेंड पर्सन, आपको खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। आप लोगों को खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन। उसको उसे राम को खाना चाहिए था, ही शी इट राम शुड ईटन। उन लोगों या लड़कों को खाना चाहिए, दे द बॉयज शुड हैव ईटन। अब चलो मैंने इसके कुछ सेंटेंस भी लिए। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, आई शुड हैव टॉक टू हिम। ये थर्ड फॉर्म है टॉक की, आई शुड हैव टॉक टू हिम। सेकेंड इज, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, वी शुड हैव गो देयर। हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन देयर। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्क हार्ड। फोर्थ इज, आपको चाय पीनी चाहिए थी, यू शुड हैव ड्रंक टी। आपको चाय पीनी चाहिए थी, यू शुड हैव ड्रंक टी। फिफ्थ इज, आप लोगों को तेज दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन फास्ट। आप लोगों को तेज दौड़ना चाहिए, यू शुड हैव रन फास्ट, यू शुड हैव रन फास्ट। सिक्स्थ इज, आप लोगों को उसे सब कुछ बताना चाहिए था, आप लोगों को उसे सब कुछ बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरी थिंग। आप लोगों को उसे सब कुछ बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरी थिंग। सेवन्थ इज, राम को अपनी घड़ी बेचनी चाहिए थी, राम शुड हैव सोल्ड हिज वॉच। राम को अपनी घड़ी बेचनी चाहिए थी, राम शुड हैव सोल्ड हिज वॉच। एट इज, नाजिया को उस पर विश्वास करना चाहिए था, नाजिया शुड हैव बिलीव्ड हिम। नाजिया को उस पर विश्वास करना चाहिए था, नाजिया शुड हैव बिलीव्ड हिम। नाइन्थ इज, उन लोगों को अपने कमरों की सफाई करनी चाहिए थी, दे शुड हैव क्लीन देयर रूम्स। उन लोगों को अपने कमरों की सफाई करनी चाहिए थी, दे शुड हैव क्लीन देयर रूम, दे शुड हैव क्लीन देयर रूम्स। टेंथ इज, उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, द पीपल शुड हैव हेल्प्ड पुअर। लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, द पीपल शुड हैव हेल्प्ड पुअर। अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे शुड का। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंसेस इज, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव टॉक टू हिम। मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव टॉक्ड हिम टू हिम। हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव गॉन देयर। थर्ड इज, आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड। आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड।
फॉर दिस आपको चाय नहीं पीनी चाहिए थी. यू शुड नॉट हैव ड्रंक टी. आपको चाय नहीं पीनी चाहिए थी. यू शुड नॉट हैव ड्रंक टी. फिफ्थ इज आप लोगों को तेज नहीं दौड़ना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव रन फास्ट. आप लोगों को तेज नहीं दौड़ना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव रन फास्ट. आप लोगों को उससे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग. आप लोगों को उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग. सेवंथ इज सबीना को अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी. सबीना शुड नॉट हैव सोल्ड हर वॉच. सबीना को अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी. सबीना शुड नॉट हैव सोल्ड हर वॉच. एट इज सीमा को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. सीमा शुड नॉट हैव बिलीव्ड हिम. सीमा को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. सीमा शुड नॉट हैव बिलीव्ड हिम. नाइन्थ इज उन लोगों को अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी. दे शुड नॉट हैव क्लीन देयर रूम्स. उन लोगों को अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी. दे शुड नॉट हैव क्लीन देयर रूम्स. टेंथ इज लोगों को गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी. द पीपल शुड नॉट हैव हेल्प्ड पुअर. लोगों को गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी. द पीपल शुड नॉट हैव हेल्प्ड पुअर. हम शुड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे. सबसे पहले शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव. वर्ब की थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पहले हम सिंपल तरीके से यूज करेंगे बिना विदाउट नॉट के, फिर नॉट का यूज़ करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी. शुड आई हैव टॉक टू हिम. क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी. शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम. सेकेंड इज क्या हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था. शुड वी हैव गॉन देयर. क्या हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था. शुड वी हैव गॉन देयर. थर्ड इज क्या आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी. शुड यू हैव वर्कड हार्ड. क्या आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी. शुड यू हैव वर्कड हार्ड. फोर्थ इज क्या आपको चाय पीनी चाहिए थी. शुड यू हैव ड्रंक टी. क्या आपको चाय पीनी चाहिए थी. शुड यू हैव ड्रंक टी. फिफ्थ इज क्या आप लोगों को तेज़ दौड़ना चाहिए था. शुड यू हैव रन फास्ट. क्या आप लोगों को तेज़ दौड़ना चाहिए था. शुड यू हैव रन फास्ट. क्या आप लोगों को उससे सब कुछ बताना चाहिए था. शुड यू नॉट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग. क्या आप लोगों को उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था. शुड यू नॉट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग. शुड यू नॉट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग. सेवंथ इज क्या रेशमा को अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी. शुड रेशमा नॉट हैव सोल्ड हिज वॉच. क्या रेशमा को अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी. शुड रेशमा नॉट हैव सोल्ड हिज वॉच. एट इज क्या सीमा को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. शुड सीमा नॉट हैव बिलीव्ड हिम. क्या सीमा को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. शुड सीमा नॉट हैव बिलीव्ड हिम. शुड सीमा नॉट हैव बिलीव्ड हिम. नाइन्थ इज क्या उन लोगों को अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी. शुड दे नॉट हैव क्लीन देयर रूम. क्या उन लोगों को अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी. शुड दे नॉट हैव क्लीन देयर रूम्स. टेंथ इज क्या लोगों को गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी. शुड द पीपल नॉट हैव हेल्प्ड पुअर. क्या लोगों को गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी. शुड द पीपल नॉट हैव हेल्प्ड पुअर. अब हम WH फैमिली में शुड का यूज़ करेंगे. वैन वाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग. वैन वाई हाउ प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वैन वाई हाउ प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे क्यों उससे बात करनी चाहिए थी. वाई शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम. मुझे क्यों उससे बात करनी चाहिए थी. वाई शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम. सेकेंड इज
हम लोगों को कब वहाँ जाना चाहिए था, When should we have gone there? हम लोगों को कब वहाँ जाना चाहिए था, When should we have gone there? थर्ड इज, आपको कैसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, How should you have worked hard? आपको कैसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, How should you have worked hard? फोर्थ इज, आपको कब चाय पीनी चाहिए थी, When should you have drunk tea? आपको कब चाय पीनी चाहिए थी, When should you have drunk tea? फिफ्थ इज, आप लोगों को कैसे तेज दौड़ना चाहिए था, How should you have run fast? आप लोगों को कैसे तेज दौड़ना चाहिए था, How should you have run fast? सिक्स्थ इज, आप लोगों को क्यों उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, Why should you not have told him everything? आप लोगों को क्यों उसे सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, Why should you not have told him everything? Why should you not have told him everything? सेवन्थ इज, रेशमा को क्यों अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, Why should Reshma not have sold his watch? Reshma को क्यों अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, Why should Reshma not have sold his watch? Why should Reshma not have sold his watch? एट्थ इज, सीमा को कैसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, How should Seema not have believed him? सीमा को कैसे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, How should Seema not have believed him? नाइन्थ इज, उन लोगों को कब अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी, When should they not have cleaned their rooms? उन लोगों को कब अपने कमरों की सफाई नहीं करनी चाहिए थी, When should they not have cleaned their rooms? टेंथ इज, लोगों को कैसे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, How should the people not have helped poor? लोगों को कैसे गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, How should the people not have helped poor? How should the people not have helped poor? इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। गाइज, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।